देश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा चित्रकूट से लौटते समय रायबरेली के एक निजी होटल में रुके, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया है। साथ ही स्वल्पाहार के साथ जिलाध्यक्ष व पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ कुछ मंत्रणा भी हुई है और पूर्व उप मुख्यमंत्री ने भाजपा को एक व्यक्ति की पार्टी नहीं बल्कि एक अधिष्ठान की संज्ञा दी है। साथ ही कहा कि हम सबका उद्देश्य किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए होता है, क्योंकि राष्ट्र हम सभी के लिए सर्वोपरि है। इसी तरह ओम प्रकाश राजभर के सपा छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के सवाल पर भी काफी नरम नजर आए हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा। तो उसी प्रोसीजर शिविर में गया था और मुझे खुशी है कि अलग अलग सत्र में विभिन्न प्रकार के जो नीति रीति सिद्धांत हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ बताया गया है। भारतीय जनता पार्टी का अधिष्ठान व्यक्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का अधिष्ठान उसका सिद्धांत है, और उसका जो सिद्धांत है वो एक प्रकार से आधारित है भारत माँ की जय, यानी राष्ट्र प्रेम से राष्ट्र सर्वोपरि है। इस चिंतन के साथ आज जो प्रशिक्षण शिविर में अलग अलग सत्र हुए हैं।